नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश गहलोत आपके सामने हाजिर हुआ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे आज राजस्थान की 2011 ईस्वी की जनगणना है उनके अनुसार जो क्या आंकड़े हैं, इन सभी आंकड़ों के बारे में बात करेंगे। आपको बताएं कि जो जनसंख्या है हर देश के जो विकास होता है उस विकास को प्रभावित करती है। अगर आपके जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो अनुकूल नहीं हो, प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो तो प्रभावित करती हैं। तो हम देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो क्या आंकड़े हैं, तो बात करते हैं मित्रों 2011 की जनगणना। तो बढ़ूँ आगे और बात करूँ कि जो राजस्थान की 2011 के अनुसार जो कुल जनसंख्या थी वो कितनी थी। जनसंख्या की बात करूँ तो मित्रों 6,85,48,437, 6,85,48,437 ये थी मित्रों क्या जो कुल जनसंख्या थी राजस्थान की जो 2001 की जनगणना के अनुसार। और अपन इसको लिखे तो 6.85 करोड़ लिख सकते हैं, कि वो 50 से कम है। अगर कहीं कहीं मिल जाए आपको 6.86 करोड़, और यही ऑप्शन में नहीं हो तो आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन 6.8 करोड़ ये आपको याद रखना है। जो भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है मित्रों, जो भारत की कुल जनसंख्या है उसका 5.67% है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, एग्जाम में आ जाए कि जो भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत राजस्थान के अंदर है तो आपको ये बताना होगा। फिर बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मित्रों जो कुल जनसंख्या की दृष्टि से जो जिलों का क्रम है, जो कहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है कहाँ पे कम है, तो उनके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ तो मित्रों कुल जनसंख्या किस ज़िले के अंदर कितनी है, तो सर्वाधिक बात करूँगा, फिर उसके बाद कम की बात करूँगा, तो एक लेवल से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मित्रों हमारा पहला जो पॉइंट है वो है ये कुल जनसंख्या की दृष्टि से जिलों का क्रम। किस प्रकार है जिलों का क्रम वो देखते हैं, ठीक है। तो मैं बात करूं मित्रों, पहले देखता हूं मैं एक वर्गीकरण करता हूं इनका, और सबसे पहले मैं बात करता हूं मित्रों किसकी, सर्वाधिक जनसंख्या वाले ये अवरोही क्रम बता रहा हूँ मैं इनका। दूसरा है मित्रों न्यूनतम जनसंख्या वाले, आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम। एक एक करके बारे में बात करेंगे मित्रों, मैं डायरेक्ट एक कहीं लूंगा, तीन चार सबके बारे में बात करेंगे जिससे आपको फायदा हो सके, एग्जाम में किसी भी प्रकार क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। कि वर्तमान के अंदर ऐसी स्थिति आ रही है जो क्वेश्चन थोड़ा डीपली पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वो कहाँ पे है, जयपुर के अंदर, और वो कितनी है मित्रों, 66.26 लाख। दूसरे नंबर पे नंबर आता है जोधपुर का, और वो जनसंख्या कितनी है मित्रों, वो है 36.8 लाख। तो देखिए मित्रों कितना अंतर आ गया जयपुर से जोधपुर तक आने में, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करता हूँ, तीसरे नंबर पे है नंबर अलवर जिला, और अलवर की बात करें तो अलवर है 36.7 लाख, ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों के बीच में। चौथे स्थान पे नंबर आता है मित्रों वो है नागौर जिला, कौन सा, नागौर, और नागौर की है 33 लाख। इतनी आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इस प्रकार अब मैं कम की बात करें तो सबसे कम जो कौन सा जिला है वहाँ पे जनसंख्या है कम, तो है जैसलमेर। तो मित्रों यहाँ पे केवल और केवल 6.7 लाख,
कितनी है 6.7 लाख। फिर बढ़ते हैं आगे, जो दूसरे नंबर पे कम में आता है वो है प्रतापगढ़, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं वापस, 8.67 लाख। नेक्स्ट नंबर आता है मित्रों वो है सिरोही ज़िला, और इसकी जनसंख्या है मित्रों 10.36 लाख। और जो 6 नंबर पे आपको बता दूँ बूंदी ज़िला, और इसकी जनसंख्या है 11.10 लाख, ठीक है। सर्वाधिक बात की मैंने जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर, और न्यूनतम की बात करूँ जैसलमेर, फिर प्रतापगढ़, फिर सिरोही और फिर बूंदी। तो मित्रों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा जो मैंने ये वर्गीकरण समझाया, कम की दृष्टि ज़्यादा, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे बढ़ते हुए, और बात करते हैं तो जनसंख्या वृद्धि दर हुई उसके बारे में बात करते हैं। तो मित्रों देखिए आगे, साथ में आप नोट्स बना सकते हो, मैं हर प्रकार के साथ में वीडियो डालूंगा, जो पॉलिटी के वीडियो भी मित्रों बन रहे हैं, ठीक है, और वो भी आपके सामने कुछ समय के बाद आ जाएंगे, और साथ ही इकोनॉमिक्स जो अपन संगणक का एग्ज़ाम है और भी एग्ज़ाम है उनके लिए हम बनाएंगे, जो सभी एग्ज़ामों के लिए काम के होंगे। फिर बात करते हैं जो दूसरे नंबर पर हम लेते हैं जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर में बात करूं मित्रों, राजस्थान में जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कब हुई थी, किस दशक के अंदर हुई थी वो बात कर लेता हूं सबसे पहले। तो मित्रों 1971 से लगाकर 81 के बीच में, ठीक है, इस दशक के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई, ठीक है। और वर्ष की बात करूँ मैं तो वर्ष गिना जाएगा 1981, ठीक है, जिस प्रकार 2011 गिना जा रहा है उसी प्रकार कौन सा गिना जाएगा 1981। फिर बढ़ते हैं आगे, आगे राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि, न्यूनतम मित्रों रही, और उसका दशक कौन सा रहा 1911 ईस्वी से लगाकर 21 ईस्वी के बीच का। और वर्ष की बात करूं तो इसको विभाजक वर्ष के नाम से भी जाना जाता है 1921, क्यों मैं और बताऊंगा आगे। तो मित्रों वर्ष 1921 के अंदर, ठीक है, यहाँ पे जो जनसंख्या का स्तर था बहुत मैंने माइनस में चली गई थी, पूरे भारत की बात करें, ठीक है, भारत की बात करें माइनस में चली गई थी 1921 के अंदर, और यहाँ पे जो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि राजस्थान के अंदर हुई वो बात ये थी। फिर बात करते हैं कि राजस्थान की औसत दशकीय वृद्धि, ठीक है, औसत दशकीय वृद्धि की बात करूँ यानी कि 10 वर्षों के अंदर कितनी वृद्धि हुई, औसत दस की वृद्धि हम बात करें मित्रों 2011 से लगाकर 2011 से लगाकर 11 के बीच में बात करें तो मित्रों वो हुई 21.30%। कितनी? 21.30%। उसमें पुरुषों की बात करूं मैं, ठीक है, सब बता रहा हूं मैं डिटेल से, पुरुषों की बात करें तो 20.8%, और महिलाओं की बात करें तो वो थी 21.8%, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर बढ़ते हैं आगे, अब बात कर लेते हैं 2001 के अंदर जो जनसंख्या वृद्धि वो कितनी थी, तो वो थी मित्रों 28.41%। तो देखिए यहाँ पे कमी हुई है, कमी हुई तो हमें फायदा ही है भाई, कमी है तो अच्छी बात है। तो कितनी कमी हुई? -7.11%। कितनी हुई? -7.11%। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर बढ़ते हैं आगे कि सर्वाधिक वृद्धि दर वाले कौन से जिले थे और न्यूनतम वृद्धि दर वाले कौन से जिले थे, इनका हम वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले बात करें सर्वाधिक, ठीक है, वृद्धि दर, ठीक है, और वाले जिले इनके बात करते हैं अवरोही क्रम मित्रों, और ये बात करता हूँ एक तरफ आरोही क्रम न्यूनतम वृद्धि दर वाले जिले, कौन सा क्रम?
आरोही क्रम। तो बट सबसे पहले बात करें जो सर्वाधिक मित्रों वृद्धि हुई वो किस जिले के अंदर हुई, तो वो हुई बाड़मेर जिले के अंदर। सर्वाधिक वृद्धि हुई जनसंख्या के अंदर वो कितनी हुई मित्रों, 32.50% इतनी वृद्धि हुई मित्रों। फिर बढ़ते हैं आगे, दूसरे स्थान पे नंबर आता है वृद्धि के अंदर उसका आता है जैसलमेर जिले का, और जैसलमेर जिले की बात करो तो कितनी हुई, 31.8%। फिर नेक्स्ट बात करते हैं जोधपुर जिले की, ठीक है, 3 नंबर पे किसान नंबर जोधपुर जिला का, और यहाँ पे वृद्धि हुई 27.70%। फिर नेक्स्ट नंबर आता है मित्रों, वो नंबर आता है बांसवाड़ा ज़िले का। मैं 4-5 बता रहा हूँ, अगर कोई भी आ जाए तो आप लगा सकते हो, क्योंकि पहला पहला पूछा जा रहा है एग्ज़ाम के अंदर, अब दूसरा पूछेगा फिर तीसरे पूछेंगे तो आ सकता है एग्ज़ाम के अंदर 26.5%। और एक और बता देते हैं जयपुर हमारी राजधानी, और यहाँ वृद्धि हुई 26.2%। ठीक है, ये मैंने आपको वर्गीकरण बताया। फिर इस प्रकार बात करें मित्रों, अब मैं बात करता हूँ जो न्यूनतम है सबसे कम वृद्धि किस जिले के अंदर हुई वो बात करें, तो सबसे कम हुई मित्रों वो है गंगानगर जिला, और यहाँ पे केवल और केवल वृद्धि कितनी हुई, 10%। अब दूसरे नंबर पे नंबर आता है झुंझुनू जिला, जहाँ पे कम वृद्धि हुई तो वो है कितनी हुई, 11.7%। तीसरे नंबर पे बात करूँ पाली जिला, जहाँ पे तीसरे नंबर पे कम वृद्धि हुई वो है 11.9%। ठीक है, चौथे नंबर पे कम वृद्धि किसकी हुई, तो बूंदी जिले का नंबर आता है और वो है मित्रों 15.4%। गंगानगर, झुंझुनू, पाली, और पांचवे नंबर पे एक और देख लीजिए चित्तौड़गढ़ जिला, और है 16%। इतनी बातें मित्रों कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है, 16.1% है सिर्फ सक्षम क्लासेस के अंदर मिलेगी। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आपको पूरा का पूरा डिटेल से जानकारी मिल सके। ये तो बात इसके बारे में बात की मैंने। फिर नेक्स्ट बात करता हूँ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट कौन से जिले के अंदर हुई, तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर के अंदर गिरावट की बात करें, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर के अंदर दर में गिरावट, तो मित्रों यानी कि 2001 के अंदर जितनी थी, ठीक है, उससे जो गिरावट हुई है वो जिला आता है जैसलमेर जिला, और यहाँ पे सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर के अंदर गिरावट हुई है 2001 के अंदर, ठीक है, इसकी जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी मित्रों, 47.5% थी, और ये घट गई, ठीक है, और अब कितनी रही, 31.8%, मैंने आपको बता दिया। तो मतलब गिरावट हुई सर्वाधिक कहाँ पे, जैसलमेर जिले के अंदर, और भरतपुर जिले की जो औसत जनसंख्या वृद्धि दर है वो मित्रों किसके बराबर है, राजस्थान की औसत वृद्धि दर के। अभी मैंने बताया कि राजस्थान की औसत दशकीय वृद्धि दर कितनी है, तो वो मैंने बताई थी मित्रों 21.30%, और तो इसके बराबर आसपास ही है, लगभग भरतपुर है ऐसा जिला जो उसकी औसत दशकीय वृद्धि दर वो कितनी है, 21.40%। तो देखिए मित्रों लगभग पास में है, तो ये ऐसा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर आ सकता है, तो आपको ये बात याद रखनी है। तो मित्रों ये हमारा पार्ट फर्स्ट था जिसमें हम बात की इसके बारे में, जनसंख्या और जनसंख्या कितनी है और जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है इनके बारे में बात की। नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम बात करेंगे लिंगानुपात के बारे में बात करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए, तब के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।